नमस्कार, मैडम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा अब तेजी से नहीं बढ़ रहा है। हालांकि पिछले 24 घंटे में 3,009 संक्रमित मरीज मिले हैं पूरे बिहार में। अब अगर एक्टिव केसेस की हम बात करें तो 22,775 फिलहाल एक्टिव केसेस हैं बिहार में। लेकिन जिस तरीके से पहले संक्रमण दर बढ़ रहा था, अब वो संक्रमण दर घट के 2 से भी नीचे आ चुका है। 1.97% संक्रमण दर है फिलहाल बिहार का, जो पिछले 24 घंटे में पाया गया है। फिलहाल अगर हम देश की बात करें तो पूरे देश में अब संक्रमित मरीजों के आंकड़ों में उतनी तेज़ी के साथ बढ़ोतरी नहीं पाई जा रही है। काफ़ी बड़ा डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी भी कोरोना के जो केसेस हैं वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। देखिए, 3,009 संक्रमित मरीज मिले हैं पिछले 24 घंटे के जो आंकड़े निकल के आए हैं स्वास्थ्य विभाग की ओर से, जो आपको बता रहे हैं। और रिकवरी दर जो है वो 95% से अधिक है, लगभग 96% तक पहुँच चुका है रिकवरी दर। लेकिन अब भी आपको अगर भीड़ भाड़ वाले जगहों पर निकलना है तो मास्क लगा कर ज़रूर निकलिएगा, क्योंकि लोग खूब मास्क लगा रहे हैं। अब वो काफ़ी सचेत हैं, गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं, इसलिए कोरोना का ग्राफ काफ़ी तेज़ी से गिर रहा है। तस्वीरें देखिए ज़िलों की जो दास्तां बयां कर रही हैं। पिछले 24 घंटे में 3,009 संक्रमित मरीज़ मिले हैं। देखिए, अगर हम ज़िलों की बात कर रहे हैं तो पूरे बिहार में आपको पता होगा 3,009 संक्रमित मरीज़ पाए गए हैं पिछले 24 घंटे में। वहीं अगर हम टेस्टिंग की बात करें तो 1,52,728 लोगों के सैंपल जांचे गए हैं, जिसमें से 3,009 संक्रमित मरीज पाए गए हैं। सबसे अच्छी बात है, बिहार की जो संक्रमण दर है, पॉजिटिविटी रेट है, वो 2 से भी नीचे घटकर आ चुका है। 1.97% है बिहार में जो पॉजिटिविटी रेट है पिछले 24 घंटे का, वो बता रहे हैं हम आपको। और अब ध्यान देते हैं ज़रा ज़िलों पर। राजधानी पटना में जहां प्रतिदिन 2,025 तक संक्रमित मरीज पाए जाते थे, पिछले 24 घंटे में 697 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। सिर्फ 697 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं अगर हम बात कर रहे हैं मुजफ्फरपुर की, तो वहाँ पर भी 117 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। नालंदा में 27 संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं अगर हम बात कर रहे हैं पूर्णिया की, तो 118 संक्रमित मरीज मिले हैं। मधेपुरा में 126 संक्रमित मरीज मिले हैं। पिछले 24 घंटे के आंकड़े हैं जो आपको दिखा रहे हैं। पूर्वी चंपारण में 67 संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं अगर हम बात कर रहे हैं भागलपुर की, तो भागलपुर में भी 77 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। भोजपुर में भी 77 संक्रमित मरीज मिले हैं। बेगूसराय में 83 संक्रमित मरीज मिले हैं। औरंगाबाद में 60 संक्रमित मरीज मिले हैं। दरभंगा में 89 संक्रमित मरीज मिले हैं। गया में 58 संक्रमित मरीज मिले हैं। खगड़िया में सिर्फ 9 संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं समस्तीपुर में 222 संक्रमित मरीज मिले हैं पिछले 24 घंटे में। सारण में भी 101 संक्रमित मरीज मिले हैं। ये पिछले 24 घंटे की कहानी जो आपको बता रहे हैं। वैशाली में 102 संक्रमित मरीज मिले हैं। पूरे बिहार में पिछले 24 घंटे में 3,009 संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं अगर हम पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो 1.97% है बिहार का जो पॉजिटिविटी रेट है, जो संक्रमण दर है। तो ऐसे में लोगों को कहीं ना कहीं अब इस ग्राफ को देखकर काफ़ी खुशी हो रही होगी, क्योंकि ग्राफ में काफ़ी तेज़ी से गिरावट आ रही है। तो आपने पिछले 24 घंटे की तस्वीरों को देखा है, क्या कुछ कहानी बयां कर रही है ये बिहार की। हालांकि टेस्टिंग 1,52,000 से अधिक की संख्या में लोगों की गई है, लेकिन सिर्फ 3,009 संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं 22,775 सिर्फ एक्टिव केसेस अब रह गए हैं बिहार में। उम्मीद है लोग जिस तरीके से टीके लगवा रहे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं, कोरोना के गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं, क्योंकि फिलहाल पाबंदियां जो बिहार में लगाई गई थी उसे 6 फरवरी तक बढ़ा दिया गया है। तो ऐसे में उम्मीद है सरकार द्वारा जो पाबंदियां लगाई गई हैं, जो नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, दुकान और प्रतिष्ठान रात 8 बजे के बाद बंद हो जाएंगे, उन तमाम नियमों का आप पालन करेंगे, क्योंकि कोरोना का ग्राफ काफ़ी तेज़ी से गिर रहा है। काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल देखने को मिल रहा है और उम्मीद है आने वाले समय में जल्द ही हम कोरोना की इस तीसरी लहर पर भी जीत हासिल कर लेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।